पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा मिलिट्री वाहन विमान है C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। करीब 40 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, भारतीय वायुसेना भी इस्तेमाल करती है, लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल अमेरिका करता है वैसा कोई नहीं करता। अमेरिका ने इस विमान को पूरी तरह से हथियार में बदल दिया है। इस विमान ने पहले ही 105 mm, 25 mm और 40 mm के गैटलिंग गन्स लगे रहते हैं। बहुत सारे हथियार उसके अंदर लगे होते हैं। सुरक्षा के लिए फ्लेयर्स भी भरमार होती है ताकि इस विमान पर किसी तरह का हमला ना हो सके। सिंथेटिक अपर्चर स्ट्राइक रडार होता है जो लंबी दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलों और रॉकेट छोड़ सकता है। इसके अलावा एडवर्स वेदर टारगेट डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन लगा होता है जो खराब मौसम दुश्मन टारगेट की पहचान कराता है। इसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रा गन लगी होती है। ये 105 mm की होविट्जर तोप है जो हर मिनट में 6 से 10 गोले दागती है। आप ही सोचिए, विमान के अंदर तोप लगा दिया है अमेरिका ने। इसके अलावा इस विमान में स्ट्रिंगर 2 और घोस्ट राइडर तोपे लगी है। इस विमान में 8 प्रकार के काउंटर मेजर तकनीक लगी है। इसके अलावा 7 तरह के सेंसर्स लगे हैं। इसके अलावा इस विमान पर क्रूज मिसाइलें और रॉकेट पॉड्स लगाए जा सकते हैं। साथ ही JDAM जैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 11 C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट विमान है। ये टैक्टिकल एयर लिफ्टर कहे जाते हैं। ये अपने पेट में 92 यात्री, 64 एयरबॉर्न सैनिक, 6 पैलेट्स या 74 मरीजों के साथ 5 मेडिकल स्टाफ को लिफ्ट करा सकता है। इसके अलावा 2 से 3 बड़ी जीप भी ले जाई जा सकती है। ये अपने नाम की तरह ही ताकतवर भी है। 97.9 फीट लंबे और 38.10 फीट विंग स्पैन वाले इस कार्गो प्लेन की ऊंचाई 38.10 फीट है। जबकि ये प्लेन खाली रहता है तो इसका वजन 34,374 किलोग्राम होता है, लेकिन ये अपने साथ 70,000 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। 22,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 670 किलोमीटर प्रति घंटा की ये उड़ान से उड़ सकता है। आमतौर पर इसकी क्रूज स्पीड 644 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3300 किलोमीटर है। अधिकतम 28,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इससे ऊपर ले जाने के लिए इसका वजन कम करना होगा। खाली में ये 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।